बोल्ड न्यूज के स्टार इमरान वाहिद साहब। लोग जूतों में तस्वीर मानते हैं, शर्ट में मानते हैं। इसकी बात को बुरा नहीं मानते। सो गाइज, आज हम आप लोगों को मिलाएंगे बोल्ड न्यूज के स्टार इमरान वाहिद साहब से। ये है इमरान वाहिद साहब। इमरान वाहिद साहब, आपकी लाइफ कैसे गुजर रही है और आपका शो कैसा चल रहा है? जबरदस्त गुजर रही है, और बोल्ड टीवी के जो प्रोग्राम है वो भी बहुत जबरदस्त गुजर रहे हैं। सो अल्लाह का लाला शुक्र है, ऑल थिंग इज फाइन और सब कुछ सेट है, शुक्र है अल्लाह पाक का। जैसे कि आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी शख्सियत। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ अपना। हमारे बैठे हुए हैं इमरान भाई। कहवा चल रहा है, ग्रीन टी पी रहा हूँ क्योंकि गला बहुत खराब है। तो बाकी आज कल जो मसरूफियात है वो है, बोल टी वी पे होता हूँ मैं, गेम शो में होता हूँ दानिश तैमूर के शो में। बाकी मेरा डांस, एज अ डांस कोरियोग्राफर मैं काम करता हूँ। तो टाइम मैं इस वैसे नहीं दे पा रहा था आपको क्योंकि मैं बिजी होता हूँ, और अभी मैं एक और काम स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे, अपना प्रैंक्स का चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मैं उसके ऊपर मसरूफियात में लगा हुआ था। कैमरा वगैरह का थोड़ा इशू था, तो लेंस वगैरह मुझे चेंज करवाना है, तो उस पर लगा हुआ था मैं, तो इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था आपको। अभी भी मुझे उसके लिए जाना था सदर, लेकिन कॉल की तो उन्होंने कहा कल आ जाना, वरना अभी मैं यहाँ पर नहीं होता, लेंस लेने के लिए पहुँचा होता। तो बस ये मसरूफियात। हमारी अच्छी तमन्ना हमारे साथ हैं, अच्छी एक माशाल्लाह शर्ट बहुत अच्छी पहनी है। लोग जूतों में तस्वीर मानते हैं, शर्ट में मानते हैं। डिजाइन है, डिजाइन ये डिजाइन है, ये नाड़े वाली शर्ट लेकर निकली है, एक नए डिजाइन की। पाकिस्तान में कुछ ही पहन लो वो डिजाइन, वो स्टाइल। ये मेरा, ये असल में मेरा सीनियर है, जो हमने कुछ सीखा से सीखा है और ये सीखा भी रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी बात को बुरा नहीं मानते। मजाक कर रहे हैं ऑडियंस को, पता है अगर आप देख रहे। अभी ये नया चैनल स्टार्ट किया आप लोगों ने? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। किस नाम से? फैज ऑफिशियल। फैज ऑफिशियल व्लॉगिंग। फैज ऑफिशियल व्लॉगिंग। अच्छा, तो किस तरह के व्लॉग इसमें डालो? असल में वजह ये होती है, जहाँ हम लोग कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, तो वो व्लॉगिंग कैसा हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ से तफरी हो रही है, हम वो सब अपने व्यूज पर जीते भी व्यूज जीते भी सब कुछ। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, आप दोनों को, जो हमारे कैमरा मैन है, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल है तो पूछ लें। सर मिले, हमने बहुत गपशप करी और पुरानी पुरानी यादें थी हमारे साथ पढ़ने की, हमने बहुत डिस्कस करी। तो इमरान भाई क्या कहेंगे आपके, और क्या कुछ यादें, कैसी यादें चल रही हैं, क्या चल रहा है और यादों में? यार यादें क्या, कोई बच्ची थोड़ी है, तुम मुझे तो मेरी याद ये फंस गया सी है। चलो, और दूसरी बात ये है कि बस पुराना वक्त याद आता है, लाइफ आप जब आगे बढ़ते हो तो पुराना वक्त ज़रूर याद आता है। कभी कभी याद इंसान को करना भी चाहिए अपने पुराने वक्त को, तो जैसे कि आपने स्टडी लाइफ गुजारी हो, बचपन गुजारा हो, दोस्तों के साथ गुजारा हो, और जब इंसान आगे स्ट्रगल कर रहा होता है तो बस फिर वो आगे की सोच, आगे की टेंशन और लाइफ को, लाइफ में जो है ना स्ट्रगल करने पड़ती है। बस मेरा मानना ये है, इंसान जितना भी कुछ कर ले आखिर एक दिन मर जाना है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। ज़िंदगी के हिस्से में आपको तकलीफें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लाइफ इसी चीज़ को जो है ना लाइफ कहते हैं। सो ये एक सर्कस है जहाँ हम लोग और आप लोग हैं, हम यहाँ पर इस सर्कस में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अच्छी बात यह है, मैं सिर्फ मशवरा ये देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में कभी किसी का दिल नहीं दुखाएं, और अपनी लाइफ में हो सके तो आप अच्छा करने की कोशिश करें, सामने वाले को फ़ायदा देने की, आप किसी को ना किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जो इल्म जिसके पास होता है वो बांटता है, जिसके पास थोड़ा सा इल्म होता है वो छुपा कर रखता है, तो अपना इल्म बांटें, बस इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं इमरान भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आजकल कौन सी हमें ड्रामा बना रहे हैं, कौन सी फिल्म बना रहे हैं, कहाँ डांसिंग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं, क्या चल रहा है? यार अभी तो फिलहाल कुछ नहीं चल रहा, मैंने बताया, सिर्फ बोल टीवी चल रहा है, बाकी मेरे इवेंट्स वगैरह होते हैं क्योंकि मैं ऐसा डांस कोरियोग्राफर काम करता हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, मूवीज़ कमर्शियल में। अभी फिल्म शूट वगैरह का तो काम नहीं चल रहा, लेकिन मेरे इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, जो कोऑपरेटिव इवेंट होते हैं, मेहंदी के इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट करते हैं। सही है। और कौन कौन सी वीडियो में आपने काम कर चुके हैं, कौन कौन सी वीडियो के अंदर? बहुत सारी फिल्मों में काम किया, अभी तो नाम भी याद नहीं है, ये फंस गया सी है। यार
बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज में काम किया, जैसे कराची से लाओ, लाहौर से आगे बिन रासू की एक्टर इन लोग सारी पाकिस्तान के साथ सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं। चलो आज बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और थैंक्स कि आप हमारे लिए आए, टाइम निकाला, और बेस्ट विशेस देती हूँ क्योंकि आप एक नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि अच्छा आप आगे बढ़ रहे हैं और हमें भी साथ लेके चलें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी दे। और मेरा नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्दी, वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल है इमरान वहीद के नाम से और इंस्टाग्राम भी मेरा इमरान वहीद के नाम से। सो अभी नया जो चैनल है वो प्रैंक के हवाले से बना रहा हूँ, जो कि पब्लिक के साथ फन करूँगा, आप लोगों ने देखे होंगे प्रैंक्स वगैरह। सो इंशाल्लाह बहुत जल्दी नया प्रैंक स्टार्ट करूँगा और आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।